तो हाय हेलो नमस्कार आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं एक और बार स्टूडेंट फरमाइश पे दोस्तों आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि इंस्टाग्राम पे एक रील जो है वो काफ़ी ज़्यादा चल रहा है और उस पर लोग काफ़ी सारे रील्स बना रहे हैं वो एक ऐसा डायलॉग है जहां पे ये बोला जाता है कि किसी ने कहा है कि छः महीने तक आप इतना गायब हो जाओ इतना गायब हो जाओ कि आपसे मिलने के लिए लोग अपना समय लेके आपका समय जो है आपसे मिलने के लिए आ जाए ठीक है ऐसा कुछ था देखिए ये जो कंसेप्ट है ये तो स्टेंट फरमाइश तीन साल से बोलते आ रहा है अंडरग्राउंड हो जाओ यानी लापता हो जाओ लोग ढूंढने पर मजबूर हो जाए और एक वक्त ऐसा है कि लोग भूल ही जाए और जब आप निकलो तो एक ऐसे रिजल्ट के साथ निकलो जहां पे लोग आश्चर्यचकित हो जाएं। दोस्तों याद आता है मुझे कि जब एफ सी का सिलेक्शन मैं लिया था मैं स्क्रीनशॉट में आप सभी को दिखा देता हूं हालांकि मुझे शो अप करना अच्छा नहीं लगता बट जो विश्वास नहीं करते हैं उनके लिए ये वीडियो है उनके लिए स्क्रीन शॉट है देखिए एफ सी का जब सिलेक्शन हुआ था तब तो मेरा वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन हुआ था और मुझे याद आता है कि जुलाई अट्ठाईस तारीख दो को मेन्स एग्जामिनेशन मैंने लिखा हुआ था और मैं तो उस टाइम भी वीडियोस भी बना रहा था और तब आई थिंक मेरा ऑलरेडी ग्रामीण बैंक में मेरा सिलेक्शन हो गया था ऑफिस असिस्टेंट में तो दोस्तों मेरे को याद आता है कि एक महीना चला गया दूसरा महीना चला गया तीसरा महीना चला गया रिजल्ट आ ही नहीं रहा था अगले साल यानी 2020 में जनवरी में उसका रिजल्ट आ गया आई थिंक जनवरी आठ को आया है ठीक है जितना मैं रिकेपिचुलेट कर पा रहा हूं जितना मैं याद कर पा रहा हूं तो अभी सीनारियो ये है कि आप एफ सी आई के रिजल्ट के बारे में लोग काफी सारे सवाल पूछ रहे हैं कोई बोलता है कि मुझे जोनल ऑफिसर से मेरा मेरा बात हो गया कोई बोलता है नोडल ऑफिसर से मेरा बात हो गया दे ये सारे जो चीजें होती है ना अगर बात हो भी गया तो वो आपसे क्यों बताएंगे ठीक है कि रिजल्ट कब आएगा ठीक है तो इसीलिए ना आप ये सब चीजों पे ध्यान मत दीजिए प्रोसेस पे ध्यान दीजिए आउटकम आज नहीं तो कल तो रिजल्ट आएगा अगर मई में नहीं आ रहा है तो जून या जुलाई में आ जाएगा तो रिजल्ट के बारे में अपेक्षा मत करिए आपको वेट क्या चीज का करना है आपको अपने एग्जाम्स का वेट करना है ठीक है तो मार्च में शायद प्रोबली इसका एग्जामिनेशन हुआ था लेट होगा आ, लेकिन जब रिजल्ट सच में आ जाएगा और उसके बाद अगर आपकी सिलेक्शन सच में होगी तो उस वक्त पे जो खुशियां होगी वो शायद वो अलग ही आप सभी को कॉन्फिडेंस देगा तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको गुमराह नहीं होना है ठीक है कि उससे क्या होता है ना हम लोग ओवर एक्साइटेड होते हैं टेम्पटेशन होती है हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और अभी जो अवसर हम सभी को मिला है आज तो आर ग्रेड बी का भी नोटिफिकेशन आ गया हमको पढ़ाई पे ध्यान देना है हमारे हाथ में क्या है हमारे हाथ में पढ़ाई है बस पढ़ाई कर सकते हैं हम ये सब चीज़ें नहीं कर सकते ये सब सब चीज़ें जो है एक्सपेक्टेशन है हो सकता है आ सकता है ये सब चीज़ें हम बातें कर सकते हैं लेकिन इससे हमारी एनर्जी कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाती है ज़्यादा ओवर करने से भी दिमाग तो खर्च होता ही है ना तो अननेसेसरी हमको खर्च नहीं करना चाहिए पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और मॉक टेस्ट लगाते रहिए अगर आपकी प्रिपरेशन खत्म हो चुकी है तो मॉक टेस्ट पे ध्यान दीजिए मॉक टेस्ट के लिए मैं आप सभी को रेकमेंड करता हूं गाइडली जो नौ साल से भी ज़्यादा हो चुका है उसका जो कंटेंट है उसके लिए काफ़ी वो मशहूर है और गाइडली के बारे में मैं हमेशा तो आप सभी को बताते आ रहा हूं मॉक टेस्ट को उनका एक ऑफर चल रहा है ट्रिपल फोर रुपीज़ में चल रहा है अगर उसमें भी अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कूपन कोड लगाना मत भूलिए एस एफ वाई ट्वेल्थ आपको और एक्स्ट्रा बारह परसेंट ऑफ मिल जाएगा बैंक एस बैंक इंश्योरेंस एग्जामिनेशन इनके सारे के सारे जो मॉक टेस्ट है वो कवर हो जाएगा पाँच प्लस पाँच मंथ्स का वैलिडिटी है यानी पाँच मंथ्स का एक्चुअल में वैलिड है वो एक्स्ट्रा पाँच मंथ आपको मिल जाएगा ठीक है तो लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ आप जाके एनरोल करिए अपने आप को रजिस्टर करिए एक फ्री का मॉक टेस्ट देके देखिए हालांकि आपको पसंद आएगा ही लेकिन मैं आप सभी से सभी से फिर से गुजारिश करूंगा कि अगर रिजल्ट आता है तो मैं डेफिनेटली आपसे अपडेट दूंगा आ, लेकिन उससे भी ज़्यादा कंसर्न ये है कि हमको पढ़ाई पे ध्यान देना है जहाँ पे हमारी एफर्ट होनी चाहिए वहाँ होनी चाहिए और जहाँ पे नहीं हो सकता हम कुछ नहीं कर सकते वहाँ से थोड़ा सा साइड हो के बस इंतजार करना चाहिए कि अगर रिजल्ट आ रहा है एक्सपेक्ट करिए कि हमारा फेवर में आए ठीक है इंस्टाग्राम पर अगर आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं मैं मुलाकात करता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वाले वीडियो पर तब तक लिए जय हिंद जय भारत शब आखीर लव यू ऑल अपने सेहत को बिल्कुल ध्यान रखिएगा